कभी कभी इंसान का शौक कब उसका प्रोफेशन बन जाए उसे खुद भी पता नहीं चलता। हिमाचल के भी एक दर्जन युवाओं के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। बचपन में जो काम शौक शौक में कर लिया करते थे, आज वही काम उनका प्रोफेशन व पहचान बन चुका है। आज ये दर्जनों युवा एक ऐसा रिस्की काम कर रहे हैं जिसमें इनकी जान भी जा सकती है। मंडी जिला के सुंदरनगर उपमंडल की ग्राम पंचायत जुगाहान और तलवाड़ी के एक दर्जन युवा शौकिया तौर पर नदी नालों, नहर और झीलों में गोते लगाते थे। कभी कोई पशु पानी में गिर जाए तो बिना किसी उपकरणों के अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाने का काम करते थे। लेकिन इनका ये शौक इनका प्रोफेशन बन जाएगा ये इन युवाओं ने भी नहीं सोचा होगा। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ 2010 में सुंदरनगर के तत्कालीन SDM पंकज राय का रहा। उनके कार्यकाल में इन्हें गोताखोरी का प्रशिक्षण लेने के लिए नग्गल और पोंग डैम जाने का मौका मिला। यहां इन्होंने गोताखोरी की बारीकियां सीखी और उसके बाद माहुनांग डाइविंग के नाम से एक एसोसिएशन का गठन किया। हिमाचल में जब भी कोई पानी में डूब जाता है तो उसे रेस्क्यू करने के लिए पानी की तलहटी तक जाने का साहस इसी एसोसिएशन के गोताखोर दिखाते हैं। एसोसिएशन के प्रधान शिवराम ने बताया कि कभी बर्फ के ठंडे पानी में डुबकी लगानी पड़ती है तो कभी मटमेले पानी के अंदर जाकर झांकना पड़ता है, भी घुमावदार पानी के बीच जान जोखिम में डालनी पड़ती है तो कभी अंधकार भरे पानी में जाकर शवों की तलाश करनी पड़ती है। यह काम काफी जोखिम भरा होता है और इसे करने के लिए साहस की जरूरत रहती है। उन्होंने बताया कि अनुमानित तौर पर अभी तक एसोसिएशन के लोग पूरे प्रदेश में 2000 से ज्यादा शवों और पशुओं को पानी से रेस्क्यू कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में पानी में जितने भी बड़े हादसे हुए हैं इन्होंने ही वहां जाकर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। चाहे चंद्रताल झील की बात हो या फिर ब्यास नदी में कोई हादसा हुआ हो, सतलुज की गहराई नापने की बात हो या फिर चंबा के राबी में छलांग लगाने की बात हो, इन्हें हर जगह जाकर गोते लगाने का मौका मिल चुका है। ये तो मैं पहले सुंदरनगर में ही ऐसे कई नदियों में काम करना, मैंने सुंदरनगर में पहले कोई बछड़ा गिर जाना, कोई गाय गिर जानी, उसको निकालते निकालते ऐसे स्टेमिना बनता गया। फिर कुछ सोचा मैंने, चलो भले का काम है इसका, चलो हमें कुछ करना चाहिए। फिर हमारे सुंदरनगर में SDM पंकज राय थे, उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी, उन्होंने नंगल भेजा हमें, उससे पोंग डैम भेजा उन्होंने। तो उसके बाद फिर हमने इक्विपमेंट नहीं दिया इन्होंने, कुछ नहीं दिया। फिर हम दो तीन लड़के बाहर चले गए थे फॉरन में, फिर फॉरन से आकर हमने फिर ये सारा इक्विपमेंट लाया। इक्विपमेंट लाने के बाद फिर 2010 से हमने डाइविंग के एसोसिएशन बनाई। फिर हमारा इक्विपमेंट होने के बाद अब पूरे ऑल हिमाचल में काम करते हैं हम। अब बोगडिये का तो क्या बताएं, इतना याद नहीं है। अब 2010 से तो हम बोगडिये बिल्कुल नीचे से निकालते, पहले तो जैसे भी ऊपर से पानी से निकालने बोगडिये तो ऊपर से जा रही बोगडी, तो उसको बिना इक्विपमेंट से ही निकालते थे हम उसको। फिर उसके बाद हमने चलो एसोसिएशन बनाई। फिर इसके बाद चलो ये लड़के जो है मेरे, श्याम लाल है, तिलकराज है, मोहन लाल है और लक्ष्मण दास है, इनको ट्रेनिंग मैं खुद दी देता हूँ। फिर खुद ही मैंने इन्हें तैयार किया हुआ है। इनका स्टेमिना जो है 2 मिनट का अंडर वाटर है, जब कोई मिस हैपनिंग भी हो जाएगी तब ये अपने लेवल पे बाहर आ सकते हैं। ये कई बार तो हमारा सिलेंडर हो जाता है, अंधेरा होता है नीचे, दिखाई नहीं देता है, तो तब भी इशारा करना पड़ता है। जैसे इशारा किया तो उनको तुरंत हम बाहर निकाल देते हैं इसको।